तो पूरे देश की निगाहें इस वक्त इस बात पर लगी हैं कि आखिर निर्भया के दोषियों को लेकर निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा, और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में थी, जिसको लेकर फैसला ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर आगे सुनवाई होगी। दोषियों के विकेट के मुताबिक घटना के दिन नाबालिग था, तो हमने वो जो पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में लगा रखी वो डिसाइड होनी है। दूसरी पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा की तरफ से जो लगी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी डिसाइड होनी है। कंप्लेनेंट अभिनंदन पांडे ने जो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, रुपए ले लेकर 2013 में गवाही दी, बयान दिए, स्टेटमेंट दिए, वो पिटीशन भी आज यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर भी सुनवाई होनी है। और इन सब के बाद ही फिर अक्षय कुमार, पवन और विनय की तरफ से क्योरेटिव पिटीशन पड़ेगी, और उसमें भी हम सक्सेस नहीं होते हैं तब कहीं जाके हम मर्सी पिटीशन देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ लगाएंगे। जो विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन की अफवाह फैलाई गई थी वो लगी हुई है, वो पूरी तरह से झूठी है। उस पर ना सिग्नेचर है, ना उसके थंब इम्प्रेशन है, वो बीए पास लड़का पढ़ा हुआ है, ना उसके लिखी हुई है, वो गलत है। जिसके बारे में हम सूचना आज हमने माननीय अदालत पटियाला हाउस कोर्ट को भी दे दी है, और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए को, और दिल्ली सरकार को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे चुके हैं। उस बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन, अब इस केस की अगली सुनवाई यहाँ 18 दिसंबर को होगी। दोषियों के वकील एपी सिंह ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट से अनीशा माथुर मौजूद है हमारे साथ। अनीशा, आपने भी सुना होगा कि किस तरह से अभी भी अलग अलग जो है कानूनी अड़चनों का जिक्र यहाँ पर एपी सिंह कर रहे थे, लेकिन अगर लीगल प्रोसेस की बात की जाए अब यहाँ से आगे क्या? देखिए, आज ट्रायल कोर्ट में जो जज साहब थे, जज अरोड़ा साहब, एडिशनल सेशन जज अरोड़ा साहब, उन्होंने भी ये बात देखी है कि क्योंकि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को सुनी जाएगी, इसलिए वो इस वक्त ये पिटीशन नहीं सुन सकते। लेकिन उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि ये जो डेथ वारंट इशू करने की याचिका है निर्भया के पेरेंट्स की, वो एक साल से ऊपर हो गया है उसको। हम ऐसे ये उनके जो वकील है, निर्भया के पेरेंट्स के वकील जो है और दिल्ली पुलिस के जो वकील है, दोनों ने ये काफी आर्ग्यू करने की कोशिश की कि ये डेथ वारंट जारी किए जाए। उन्होंने ये भी आर्ग्यू करने की कोशिश की कि याकूब मेमन वाले मैटर में डेथ वारंट जारी हो गए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी वो बाद में हुई। लेकिन जज साहब ने ये साफ किया कि याकूब मेमन वाले केस में क्योंकि कोई पिटिशन पेंडिंग नहीं थी, कोई याचिका पेंडिंग नहीं थी, क्यूरेटिव पिटिशन वगैरह सब खारिज हो चुकी थी, इसलिए डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो लीगल प्रोसेस है वो जज साहब ने ही साफ कर दिया है कि क्योंकि अभी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, क्योंकि अभी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के सामने गई नहीं है, इसलिए अभी डेथ वारंट जारी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, 18 तारीख को अभी ये देखा जाएगा कि अगर तब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन खारिज कर देता है और आगे कोई मर्सी पिटीशन फाइल करने की बात कन्विक्ट नहीं करते हैं, तब कोर्ट ये देखेगी कि क्या 18 तारीख को 2 बजे की जो सुनवाई होगी उसमें कोर्ट ये तय करेगी कि अब आगे ट्रायल कोर्ट से क्या किया जा सकता है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं। अनीशा, आप भी बने रही हमारे साथ, पूजा शाली वहां पर मौजूद है। पूजा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब निगाहें आकर टिक गई हैं, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि पहले इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट से क्या बात जो है, क्या फैसला निकल कर आता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे 17 दिसंबर को जो याचिका रखी गई थी उसी को लेकर आज वकीलों ने कहा, जो निर्भय के पेरेंट्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डेथ वारंट अभी भी इशू किया जा सकता है। मगर कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है रिव्यू पिटिशन चल रहा है उसको लेकर उससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट किसी भी तरह का फैसला नहीं दे सकता, और इसीलिए अब 18 दिसंबर को वो सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट पर अब निर्भर करेगा जो मर्सी पिटिशन है, जो रिव्यू पिटिशन डाली गई है, किस तरह से उसको कोर्ट देखते हैं। आज भी ध्यान रखें, कन्विक्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जो है हियरिंग के टाइम उनको रखा गया, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो वकीलों का कहना है, निर्भय के परिवारों का भी कहना है कि डेथ पेनल्टी अभी और एकदम मिल जानी चाहिए। 16 दिसंबर की पहले अटकलें चली थी, मगर क्योंकि 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये केस एक बार फिर सुनवाई होगी, उसी दिन थोड़ी क्लैरिटी मिल पाएगी कि अगला स्टेप किस तरह से मर्सी पिटिशंस को अब लिया जाएगा। मीनाक्षी, तो अब इंतजार यानी 17 तारीख का है कि सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब उसके बाद
आशा देवी इस वक्त बोल रही है, सुनते हैं। फाइनल होगा और उनका डेट वारंट निकलेगा और फांसी होगी और जल्द से जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो 17 तारीख की डेट है वहाँ पर उनकी पुनर्वाचिका खारिज हो जाएगी और 18 तारीख के यही पे उनका डेट वारंट निकलेगा और उनको फांसी होगी। 17 तारीख को आप जाएंगी सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल जाएंगे, हमें जहाँ जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। 7 साल से हम लड़ाई लड़े हैं, आगे भी जितनी भी रुकावट आएंगी उसको हम लड़के पार करेंगे और उनको इंजाब तक पहुंचाएंगे। अच्छा ये बताइए, आज जिस तरीके से कोर्ट ने एपी सिंह को फटकार लगाई है उस पर क्या कहना है? ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि मैंने 1 साल से पटियाला कोर्ट हाउस में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि उनको जवाब जरूरी था, क्योंकि 1 साल से वो कोर्ट में आया ही नहीं था, तो इसलिए जो भी कोर्ट ने डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। जब हम इतने साल उनके हक के लिए, उनके राइट के लिए हम 7 साल संघर्ष किए हैं, तो 1 हफ्ता और करेंगे, लेकिन 1 हफ्ते जो 18 तारीख की डेट होगी वो लास्ट डेट होगी और उनको डेट वारंट निकलेगा और उनकी फांसी की सजा। 18 तारीख को आपको उम्मीद है कि डेट वारंट करेंगे? तो न्याय के मंदिर न्यायपालिका की हर दहलीज तक हम जाएंगे, जहां जहां जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे, लेकिन इंसाफ के लिए इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। निर्भया की मां आशा देवी को इस वक्त आप सुन रहे थे, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में आज जो सुनवाई होनी थी उसके लिए वो पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अब यही कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सारी निगाहें टिक गई हैं कि 17 तारीख को जब वहां से दोषी अक्षय की याचिका पर फैसला आ जाएगा उसके बाद अब अगला कोई कदम उठाया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। अनीशा, जो पूरी ये तस्वीर उभर कर आ रही है, हैदराबाद में जो घटना हुई और उसके बाद जो एनकाउंटर की तस्वीर थी, एक सेंटिमेंट अविश्वास का पूरे देश में पैदा हुआ सिस्टम को लेकर, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त न्यायपालिका पर भी है कि वो विश्वास वापस कायम किया जाए। और इसके मद्देनजर मुझे लगता है कि जो फैसला निर्भया के केस पर आना है कि अंतिम पड़ाव तक ये पहुंचे, उसका इंतजार पूरे देश को है। जी नाशी, देखिए ये जो अविश्वास की जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो बात ये है कि जो ट्रायल कोर्ट ने 2014 में इन लोगों को कन्विक्शन दे दिया था, हाई कोर्ट ने भी उसको 6 महीने के अंदर डेथ पेनल्टी अपहोल्ड कर दी थी। 2017 में मई में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कड़ी से कड़ी निंदा करते हुए ये कहा था, अपना जजमेंट देते हुए, कि इस तरह के केसों में मर्सी की कोई जगह नहीं है, इनको डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि वैसे तो इनके डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट तक ने पक्की कर दी है, लेकिन जो हमारा लीगल सिस्टम है वो रिफॉर्मेटरी सिस्टम है, वो ये कोशिश करता है कि जो अभियुक्त है, जिसने कोई कानून तोड़ा है, जिसने कोई बुरा काम किया है, उसको सुधारा जाए। उसको डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत बहुत रेयर केसेस में मिलती है, बहुत कम मिलती है, और उसको भी जितना बहुत सारे मौके दिए जाते हैं। लौटते हैं आपके पास। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।